हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेन पेपर डीएवी का आज हुआ है प्री प्राइमरी का प्रीवियस वीडियो में मैंने जनरल पेपर डिस्कस कर दिया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं इसका मेन पेपर सो so फ्रेंड्स इसके जो मेन पेपर है उसमें टोटली साइकोलॉजी पूछी गई थी सो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एज ग्रुप टू टू सेवन कैटेगराइज सो फ्रेंड्स टू टू सेवन जो एज ग्रुप है वो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो टू टू सेवन एज ग्रुप के बच्चे हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ डिस्कवरी वेस्ट लर्निंग सो so फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया है बिकॉज ऑप्शंस मुझे याद नहीं आए सो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग इज स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्सप्लोर कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ स्पेशल अवेयरनेस बॉडी अवेयरनेस डायरेक्शनल अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ बॉडी इन स्पेस एंड द लर्नर रिलेशनशिप टू द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस सो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन थ्री है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ फाउंडेशनल स्टेज सो फ्रेंड्स ये एन ई पी से क्वेश्चन था जो फाउंडेशनल स्टेज है वो थ्री टू एट ए ईयर्स की जो स्टेज है उसे कहा गया है नेक्स्ट इज विच इज ग्रॉस मोटर स्किल सो फ्रेंड्स ग्रॉस मोटर स्किल्स में जो होता है वो हमारे जो बड़े मसल्स uh, होते हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है और जो फाइन मोटर स्किल है वो हमारे जो छोटे छोटे मसल्स हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक राइटिंग स्किल ये सारी फ़ाइन मोटर में आती हैं सो ग्रॉस मोटर में जो बिग बिग थिंग्स है जैसे साइकिल चलाना दौड़ना तो चलना ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं सो ऑप्शन बी इसका सेकेंड जो है उसका करेक्ट रहेगा स्विमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन ई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी इज बेस्ड ऑन सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंड प्ले टीच्स अ लर्नर सो फ्रेंड्स जो सेंड प्ले जो सेंड प्ले है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बच्चों का डेवलप करता है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर एट कॉग्निटिव मीन्स वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्नेटिव सो कॉग्नेटिव का मीनिंग होता है थिंकिंग रीजनिंग एंड रिमेंबरिंग क्वेश्चन नंबर नाइन इज़ फोर ईयर्स ओल्ड अपर्ना सेज़ बट इन इज़ अलाइव वट इट शोज़ सो फ्रेंड्स ये जो जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसमें बताया गया है कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को अलाइव मानता है जो चीज़ नहीं है लाइक like, uh, कई बार बच्चा uh, बनाना को लेकर उसको एज अ फ़ोन यूज़ करने लग जाता है कि ये फ़ोन है सो so, इस तरह से uh, जो ये जो चीज़ आती है आती है एनिमिस्टिक थिंकिंग में सो so, इसका जो सही आंसर वो एनिमिस्टिक थिंकिंग ये क्वेश्चन जीन पर की थ्योरी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन पैरागॉजी रेफर्स टू सो फ्रेंड्स पैरागॉजी रेफर्स टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ऑप्शन थ्री इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर इलेवन डोमेन्स ऑफ करिकुलम सो फ्रेंड्स जो करिकुलम के डोमेन्स है उसमें सब कुछ ही आता है कॉगनेटिव स्किल फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट लैंग्वेज स्किल्स एवरीथिंग इज कमिंग सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फुल फॉर्म ऑफ बाला सो इसका जो सही ऑप्शन आंसर uh, है वो है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स So, friends, integrated learning means making connection among concepts and experiences. Next question is On Teacher's Day 2017, which portal provided digital infrastructure for teachers? So, friends, option 1 is ka correct answer: hai, Diksha. Next is question number 15: What is logography reading? सो so फ्रेंड्स जो लोगोग्राफी रीडिंग है वो क्या होती है सो so, वो होती है द चाइल्ड अटेम्प्ट्स टू रीड वर्ड्स वाई देयर शेप लेटर पैटर्न लेटर शेप्स कलर करवेशन एक्सेट्रा यूजिंग द फेस ऑब्जेक्ट रिकोगशन एरिया ऑफ द ब्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चिल्ड्रन कैन लर्न मोर इफेक्टिवली सो फ्रेंड्स जनरल चिल्ड्रन जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक मैथड से जब उनको पढ़ाया जाता है तो वो ईजीली सीख जाते हैं नेक्स्ट इज़ वट इज़ रीडिंग सो रीडिंग है टू गेट मैसेज फ्रॉम प्रिंटेड मटीरियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर एटीन फोर सी इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो फ्रेंड जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो फोर सी हैं किसे बोला गया है सो so, वो है कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग कलेबोरेशन एंड क्रिएटिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ ई सी सी ई ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ अचीवमेंट अप टू विच ईयर सो फ्रेंड्स फाउंडेशन लर्निंग न्यूमरेसी ये जो अचीवमेंट का टारगेट रखा गया है ये टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक रखा गया है नेक्स्ट इज वट इज़ इरेगुलर वर्ड्स सो फ्रेंड्स द आंसर इज़ दो स्पेलिंग साउंड रिलेशनशिप वायलेट एट लीस्ट वन सच कॉरस्पॉन्डेंस वो जो वर्ड्स होते हैं उन्हें इरेगुलर वर्ड्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एल एन सेटअप बाई सो फ्रेंड जो एफ एल एन है ये सेटअप किया गया है एम ओ ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट इज़ करिकुलम सो करिकुलम इज़ अ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ़ द स्कूल नेक्स्ट इज वट इज़ फिगरिंग प्ले सो फिगरिंग प्ले क्या है द यूज़ ऑफ टॉल एंड फिगरे फिगरिन्स च मे रिप्रजेंट इंडिविजुअल्स फैमिलियर टू द चाइल्ड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट इज़ कैनिस्थेटिक लर्नर सो कैनिस्थेटिक लर्नर कौन होते हैं सो लर्नर हुज मोमेंट टेस्टिंग ट्रायल एंड एरर एंड नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग इन्वायरमेंट टू रिटेन एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स इसमें से हो सकता है कि कुछ के जो आंसर्स हैं वो मैंने यूट्यूब uh, से सर्च करके लिखे हैं फिर बट ये जो आंसर्स हैं ये जो हमारे क्वेश्चन uh, आज की शिफ्ट में पूछे गए थे उससे मिलते जुलते आंसर्स हैं सो so, आप इन आंसर्स के बेस पे आपने क्या टिक किया है वहाँ पे उसकी जजमेंट आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वट इज़ फोनिक अप्रोच सो फोनिक अप्रोच में क्या होता है द रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न सैम्बल्स एंड साउंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज डिसाफिया इज़ अ सो डिस्क्राफिया जो है वो रिटर्न जो बच्चों को लिखने के लिए प्रॉब्लम आती है बच्चे लिख नहीं पाते हैं ठीक से उससे रिलेटेड होता है सो इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड लर्निंग डिफरेंसेस इन विच समबन हैज़ डिफिकल्टी विद राइटिंग फॉर देयर एज लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वट इज़ प्री नंबरिंग नंबर कन्सेप्ट सो प्री नंबर जो कन्सेप्ट है वो इज शॉर्टनिंग मैचिंग पेयरिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी इज़ विच लैंग्वेज स्किल आर रिलेप्टिव सो so, रिलेटिव जो लैंग्वेज स्किल है वो है लिसनिंग एंड रीडिंग सो फ्रेंड्स ये था आज के पेपर का एनालिसिस बाकी जो प्रीवियस प्री प्राइमरी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू